मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर में देश विरोधी बयान देने वाली गुपकार संगठन के साथ चुनाव लड़ने पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि वे देश विरोधी ताकतों के साथ क्यों खड़ी होती हैं। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह हमेशा अलगाववादी और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए हैं। शिवराज ने कहा, यह कोई संगठन नहीं है, ये तो चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं। कानून की आड़ में नेताओं ने जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन हड़प ली है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के गुपकार समझौते पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी बयान देने वालों को गुप्तचर का अलायंस कहा। उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जब तक हमें जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिलता तब तक हम तिरंगा नहीं थामेंगे, चीन की मदद से 370 वापस लाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसा बर्ताव पहली बार नहीं कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के लिए देश के विभाजन को स्वीकार किया था और कश्मीर में धारा 370 लागू करवाई। आज मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और युवराज कहूं या और कुछ कहूं, श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में गुफकार संगठन बनाए, अलायंस बनाए, 8 दलों ने एक होकर बनाया है। अब इसको मैं गुफकार अलायंस कहूं या एंटी नेशनल अलायंस कहूं या एंटी पीपुल अलायंस कहूं, क्योंकि इसमें शामिल जितने नेता हैं सब राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला 11 अक्टूबर को एक टीवी समाचार चैनल से बात करते हुए ये कहते हैं कि हम चीन की मदद से धारा 370 की वापसी कराएंगे। 23 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती जी बोलती हैं कि हम उस वक्त तक तिरंगा नहीं उठाएंगे और ना ही किसी को उठाने देंगे जब तक कि हमारे कश्मीर का झंडा हमें वापस नहीं मिल जाता। राहुल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने धारा 370 को असंवैधानिक संविधान के खिलाफ कहा था और देश की सुरक्षा को खतरा बता दिया था, और ये कांग्रेस पहली बार नहीं कह रही है। देश की आजादी के समय से ही, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता जल्दी प्राप्त करने की चाह में देश के विभाजन को स्वीकार किया था, देश का विभाजन करवाया था। वो आदरणीय पंडित नेहरू जी थे जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 लागू करवाई। वो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान की व्यवस्था करके कश्मीर को भारत से समरस नहीं होने दिया था। वो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने कश्मीर के मामले को, जो हमारे देश का आंतरिक मामला था, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर जनमत संग्रह तक की बात करी थी। शिवराज ने गुपकार संगठन को चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला संगठन बताया। उन्होंने कहा, कानून की आड़ में नेताओं ने जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन हड़प ली। इन नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते रहे हैं
और कश्मीरी बेटा बेटियों के हाथ में पत्थर रख देते थे। इन्होंने विलासिता पूर्ण जीवन जिया है। कश्मीर को लूटने की आजादी इनको दी गई और जम्मू और कश्मीर को अंधेरे में धकेल दिया गया। यह सब एकत्रित होकर देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। उस अलगाववादी मानसिकता से कांग्रेस आज भी नहीं उभरी है और गुपकार संगठन कहूं कि गुप्तचर संगठन कहूं, ये तो चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं। और वसुधा ये कोई गठबंधन नहीं है। रोशनी कानून की आड़ में ये गुपकार संगठन के नेताओं ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन हड़प ली जम्मू कश्मीर की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते रहे, ये कश्मीरी बेटा बेटियों के हाथ में पत्थर थमाते रहे। इन्होंने विरासतपूर्ण जीवन जिया, कश्मीर को लूटने की आजादी इनको थी और जम्मू और कश्मीर को अंधेरे में धकेल दिया। आज ये सब इकट्ठे होकर देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस भी इनके साथ शामिल है, इनके साथ खड़ी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इन देशद्रोही बयान देने वालों से राहुल गांधी मिलते हैं। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी गुपकार गैंग के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से इन देशद्रोही ताकतों का साथ देती रही है। पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग भी इसमें हैं। और शिवराज ने कहा कि सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि धारा 370 के बारे में उनका क्या रवैया है, क्या वह देशद्रोही ताकतों के साथ हैं या देश के साथ हैं। कहा, बाटला एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी ने रात भर आंसू क्यों बहाए, आज जम्मू और कश्मीर की जन्नत में यह लोग फिर से जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। सोनिया गांधी बताएं, आतंकवाद और आतंकवादियों का साथ क्यों दे रही हैं। हजारों करोड़ों की जमीन के घोटाले हुए जांच सीबीआई कर रही है और जांच की आंच अब गुपकार अलायंस के नेताओं के पास आने लगी तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। एक और युवा नेता है कांग्रेस के कश्मीर के, जहांजेब सिरवाल, उन्होंने विवादित बयान दिया कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन से आर्टिकल 370 को लागू करवाएंगे, कांग्रेस बताया क्या कुछ और सुनना बाकी रह गया है। और फारूक अब्दुल्ला ने देश विरोधी बयान को पहली बार नहीं दिया है, कई बार राष्ट्र के खिलाफ बोले, भारत के खिलाफ बोले, हमारे देश के खिलाफ बोले। आतंकी मकबूल वट से उनके रिश्ते से सब परिचित है। कांग्रेस का ये सफाई देना कि गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं है, बेतुकार तथ्यों से परे है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा तब भी थी, अब भी है। और ये उनके कश्मीर के नेताओं के बयानों से स्पष्ट हो रहा है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रही है, जो जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस हमेशा से इन देशद्रोही ताकतों का साथ देती रही है, यहां तक कि पी चिदंबरम साहब खुलेआम करें, गुलाम नबी आजाद करें कि कश्मीर से धारा 370, कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल होनी चाहिए। मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस का धारा 370 के बारे में दृष्टिकोण क्या है, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। क्या उनकी अलगाववादी मानसिकता फिर धारा 370 और 35A को हटाने के पक्ष में, वो दोगली और दो मुही बातें क्यों कर रहे हैं।
आतंकवादियों के साथ उनके रिश्ते क्या है। बटाला हाउस एनकाउंटर के बाद क्यों श्रीमती सोनिया गांधी रात भर आंसू बहाती रही, क्यों दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के साथ खड़े हुए। मित्रों, ये अब्दुल्ला मुफ्तियों और एक परिवार के गांधियों की एकजुटता का कारण। लूट की अपनी दुकान कश्मीर में बंद हो जाना है धारा 370 हटने के बाद। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर खुली हवा में सांस ले रहा है। क्या कांग्रेस गुफकार एलायंस के साथ खड़ी है? आज मैं मैडम श्रीमती सोनिया गांधी से ये पूछना चाहता हूं और देश भी यह जानना चाहता है, क्यों धारा 370 के विरोधी है, क्यों कश्मीर की फिजाओं में फिर से जहर घोल के आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्यों उनके बयान और उनका दृष्टिकोण आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सही बात तो यह है कि रोशनी की आड़ में हजारों करोड़ रुपए के जो जमीन घोटाले हुए हैं उसकी जांच अब सीबीआई कर रही है और जांच की आंच जब गुफकार अलायंस के लोगों के पास, नेताओं के पास आने लगी, तब उन्होंने बचने के लिए इस तरह के अलायंस बनाए। और कोई भी देशद्रोही दृष्टिकोण हो, देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।